वेलकम बैक नाजी नाजी प्रोग्राम सतावन का ब्रकबोन सुप्रीम डेस्क पंजाब जजाक के स्वागत कर चाहिए जी प्याले एक रिकॉल मौजूद है कॉल वर्दा से। हेलो सलाम अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, केर के था कब आप तारफ कराइंदा कारखाना से बात कर रहा हूँ, हमजा मेरा नाम है। राड़काना मैं से अभी बात। प्रोग्राम देख रहा था अभी मेरान टीवी पर आप लोगों का ना, तो कोई आपके गेस्ट जो है आसिफ साहब, जी 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 उनसे जो उन्होंने एक तकाफुल के हवाले से बात की है, तो उसके मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा था उनसे। जी 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 पूछे। आसिफ साहब मुझे सुन रहे हैं? जी जी मुझे सुन सुन रहे रहे हैं हैं, आप। बोलिए। सर ऐसा था कि जो अभी आपने बात की बच्चों की हायर एजुकेशन के हवाले से, कि उसके लिए सेविंग करें, और तो अमलन जो है ना, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सेविंग करें और क्या किस तरीके से इसके बेनिफिट्स मजीद हमें क्या हो सकते हैं? आपका नाम? ठीक है हमजा थैंक यू। मेरा नाम है। अच्छा हमजा, अच्छा बेसिकली ठीक है, मैं थैंक यू सो मच हमजा, आपके सवाल का जवाब आपसे आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जवाब दें जी इनका जी 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 हमजा। बेसिकली ये इनके सवाल का जवाब ये है कि जो हम तकाफुल में काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग। अच्छा, सही हर बंदे के सरकमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, उसके चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उसका टारगेट डिफरेंट होता है। तो ये बेसिकली एक टेलर मेड चीज़ें होती हैं। जैसे प्लान का मतलब क्या होता है, आपका भी प्लान डिफरेंट है ज़िंदगी का, मेरा भी डिफरेंट है। तो ये बंदे की बेसिकली करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब एक बंदा चाहता है मैं बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहता हूँ हायर एजुकेशन के लिए, तो उसका फंड डिफरेंट होगा। सही एक बंदा कहता है मैं लोकली उसको कुछ करवाना चाहता हूँ, मास्टर्स करवाना चाहता हूँ या कोई अच्छी चीज़ करवाना चाहता हूँ, डेफिनेटली उसका प्लान डिफरेंट होगा। तो ये वन टू वन वेरी करता है आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। तो उसके लिए डेफिनेटली आप किसी भी तकाफुल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे मिले, उसको अपनी चीज़ें बताएं, एंड ही विल गिव यू अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। सही, जबरदस्त जबरदस्त। जो एहसास वगैरह जो जी होते जी हैं, जो बेसिकली एहसास से बेसिकली जी हाँ रिलेटेड करें, सही जबरदस्त जबरदस्त। बहुत वाकई ये होनी चाहिए। होनी चलो चाहिए। मरीना पता नहीं क्या कर रही है, मरीना के पास हम जाएं। मरीना इतनी देर तक खामोश खामोश बैठी है। मरीना जी ठीक है ना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अब वैसी जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। जबरदस्त। तो अभी हमें आप अपनी खूबसूरत आवाज से छा बताई दो सके। हाणे एक मेडले है सिंधी उर्दू मिक्स, वो हम सुनाएंगे आपको मिलके। ओके जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लाई किनारी, चिट्टा चोला लाई किनारी, कच्ची निकली ओए ढोले दी यारी, कच्ची निकली ओए ढोले दी यारी। चन मेरे मखणा, चन मेरे मखणा, चन मेरे मखणा, चन मेरे मखणा के हंस के इक पले इधर तकड़ा के नजरा रस नैना दा चखणा। चन मेरे मखणा, चन मेरे मखणा, हो कोठे तेरे
सदजन छुप जावे तुसी मुखड़ा दिखाया करो, जदो जन छुप जावे तुसी मुखड़ा दिखाया करो। पानी छन विचो का पीता, पानी छन विचो का पीता, तेरे विचो रब दसिया तेनु सजदा मैं तां कीता, तेरे विचो रब दसिया तेनु सजदा मैं तां कीता। सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। सोहेड़ो लगे प्यो मुझो यार, लगे प्यो मुझो यार, गुलाबी जोड़े में हो गुलाबी जोड़े में, सोहड़ो लगे प्यो मुझो यार, ओ ऑरेंज जोड़े में हो ऑरेंज जोड़े में। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू मरीना, मुखे अडी खबर पे मरीना के मुसाइडो प्यार आ, थैंक यू सो मच। जल्दी मैं कॉल वठी वडा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर किथा का पेंजो तारफ करें ना पा। वकास सऊद बात कर रहा हूं, हीराबाद हैदराबाद से। वाके भली कर सुबह मेरा प्रोग्राम में जी, क्या कहना चाहेंगे? जाफरी साहब के हवाले से उनसे कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है आपका जिससे बहुत मालूमात मिली हमें और बहुत मोटिवेशन भी मिली है। मैं जाफरी साहब से जानता हूँ कि वो नौजवानों के लिए क्या एडवाइस करेंगे, खासतौर पे इस तरह की फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं, जैसे वो प्लानिंग के हवाले से बात करते हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये जानना चाहूंगा नौजवानों के हवाले से वो क्या करना चाहेंगे, और अगर कोई उनसे रब्ता करना चाहे तो फिर वो किस तरह से कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। असा ॾिसो न घणो इहो आहे, नौजवान जेका मायूस थींदा आहिनि, बाक़ी उन लाइ जेके हीअ सेविंग ऐं प्रोटेक्शन्स जेकी बि सर्विस अवेलेबल आहिनि उहो उनखे अवेल करणु घुरिजनि, ऐं ज़िंदगी जा पंहिंजा रस्ता ऐं मक़सदु जेको आहे उनखे सुठे तरीक़े सां, ख़ासि तौर ते पंहिंजे माफ़ी खां सवाइ त वधीक जेको गाइडनेस असांजो गाइडनेस कोई आहे कोन, अगरि उनखे पोइ बि हू चाहे थो त मूंखे अहिड़ी को सपोर्ट या अहिड़ी को मोटिवेशनल स्पीकर जी ज़रूरत आहे, तू सभु को अॻु में त पंहिंजी निमाज़ क़ुरान उन खां सवाइ बि कोई कोन्हे, त पोइ बि जेको इंसानु पंहिंजी को प्रॉब्लम्स आहिनि कुझु आहिनि, उहो पंहिंजे जेके कुलीग सां या पेरेंट्स सां घर वारनि सां शेयर ज़रूरु करे, ऐं जेके लिसनर आहिनि उन्हनि जा त उन्हनि खे चवंदमि त विदाउट जजमेंट क्वाइटली उन्हनि खे सिर्फ़ु लिसन करनि, उन्हनि खे ॿुधनि, उन खां पोइ जेको आहे उन्हनि जी उन ॻाल्हि में हेल्प करनि, जेके असांजा मायूस जेके नौजवान अक्सर थींदा आहिनि त उहो वरी नेगेटिविटी में जेको आहे हलिया वेंदा आहिनि, कुझु पॉज़िटिव उन्हनि जी को थिंकिंग कोन हूंदी आहे, बिल्कुलु ज़िंदगी खां मायूस थी हिकिड़ा होपलेस थी वेंदा आहिनि, ऐं हू तकलीफ़ूं ॾिसंदा आहिनि, हू अहिड़ा पोइ ऐं उन खां पोइ पोइ वरी ॾिसो न, हिकिड़ी चवंदा न हर सक्सेस जे पोइ को आसानी सां कंहिं बि जेको बि तव्हां ज़िंदगी में तव्हां पंहिंजी लाइफ में को आइडियल पर्सन तव्हां पंहिंजो ठाहियो हूंदो त उन आइडियल पर्सन जेको आसानी सां कोन खे लाइफ पंहिंजी को सक्सेस न मिली हूंदी, यकीननि हू पंहिंजी लाइफ में पंहिंजी ज़िंदगी में हिकिड़ा मुश्किल जेको आहे पहलू जेके आहिनि ठोकरूं जेके उन खाधियूं हूंदियूं, पोइ वञी उहा शइ पंहिंजी हुन लाइ ज़िंदगी में अचीव कई हूंदी। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पहले इनके सवाल का ये कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसे सबसे पहले जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए वो एजुकेशन पे करना चाहिए। एजुकेशन से मुराद एजुकेशन है, डिग्री नहीं, क्योंकि एजुकेशन बेसिकली हासिल करने के बाद आपका विजन बहुत क्लियर हो जाता है। तो मेरी बेसिकली सजेशन ये कि जो नौजवान नस्ल इस वक्त आ रही है वो एजुकेशन पे ज्यादा इन्फोसाइज करे, नॉलेज पे इन्फोसाइज करे। सेकेंडली एज फार एज कैरियर इज कंसर्न, डेफिनेटली हमारा तकाफुल जो है वो कैरियर ओरिएंटेड पोजीशंस भी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो डेफिनेटली ऑफ द रिकॉर्ड हम फिर किसी ना किसी तरीके से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, तो उसके अंदर हम कैरियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो हमारे फ्रेश लोग आ रहे हैं
या जो फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम किस तरह से कैरियर काउंसलिंग करके उनको एक कैरियर ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ सेविंग कैरियर ग्रोथ सही भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर। तो डेफिनेटली वो हम कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे या आप हमें किसी भी जराए से सही कॉन्टैक्ट करके किस तरह से सही किया जा सकता अच्छा इट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द करियर काउंसलिंग द बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स एवर नो हाउ वी वी गिव इन रोड वे उनके उनको उनके खबर न पवंदा त असां कहिड़े पासे ते असां जेके फील्ड खई आहे बिल्कुल त असां उहो फील्ड सही आहे ना आहे सही में असांखे कुझु आम मिलंदो न मिलंदो त ही करियर कैरियर काउंसलिंग जेको आहे उहो काफ़ी हेल्प कंदी आहे। बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि आई एम इन दिस बिजनेस सिंस लास्ट 22 इयर्स, तो मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे इसके अंदर। तो दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, जो कुछ ठोकरे खा के सीखते हैं ठीक है वो एक्सपीरियंस हासिल करो, देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो नौजवान नस्ल आ रही है उसको हम अपना एक्सपीरियंस डिलीवर कर दें, जो मैंने 22 साल में लिया है वो मैं उसको 2 महीने 3 महीने में डिलीवर कर दूं ताकि उसका टाइम सेफ हो जाए, उसकी कैरियर प्रोजेक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। तो हमारे पास एक्सपर्टीज हैं जो कि हमारे साथ बैठते हैं। डेफिनेटली जब आप किसी को हायर कर रहे होते हैं, कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारा एक वो है, उसके अंदर हम बेसिकली प्रॉपर काम कर रहे होते हैं और प्रॉपर जस्टिफाई कर रहे होते हैं उसको एज पर हिज एजुकेशन। या ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ जाए उनके पास तो वो किस तरह से हैंडल करें, कैसे हैंडल कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमारे मकसद दो ही होते हैं, एक हमें ग्रोथ चाहिए होती है और अल्टीमेटली दूसरा पैसा। लेकिन एक आई एम सॉरी बड़े कड़वी बात होगी लेकिन मैं बताऊं, एक आज डॉक्टर बनता है वो डॉक्टर बनता है तो वो भी इसलिए बनता है कि वो पैसा कमाए, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करता है वो भी इसीलिए करता है कि उसकी फीस इंक्रीज हो जाए। एक इंजीनियर बन रहा है उसका भी लिमिट यही कॉज होता है कि मैं ऊपर जाऊं और पैसा कमाऊं। आई एम सॉरी मेरे सिंगर साथ बैठे हुए इनका भी यही है कि डेफिनेटली जैसे जैसे ही पॉपुलर होते जाएंगे फेमस होते जाएंगे एक सर्टन अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के हमारा जो गोल है वो पैसा है। वकार कहाँ छा चुनो विडू नहीं, ये तो जाहिर सी बात है आप जितनी स्ट्रगल करते हैं उसका रिवॉर्ड तो वो फिर उसी हवाले से जितना एक्सपीरियंस आता जाता है और कोई भी आप स्किल अपना एक्वायर करते हैं या कोई भी आपने डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की बात की तो अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है लेकिन उसके साथ आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिल्कुल दैट्स मैटर, वो मैटर करती है चीजें। और पैसा तो अल्टीमेटली हर बंदे की क्वालिटेटिव जो चीजें आपकी ऊपर जाती है तो उसके साथ आपकी फाइनेंशियल जो आपकी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। तो ये चीजें उसका अच्छा एक आर्टिस्ट जब आपके सामने आता है ना मशहूर होकर, मैं स्पेसिफिकली आर्टिस्ट की बात करूंगा, तो उसके पीछे बहुत सी स्ट्रगल होती है। डेफिनेटली वो समटाइम अच्छा जो आ जाते हैं ना वो तो बहुत कम है, जो नहीं आ पाते उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल वो चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट को अभी भी बहुत कम पैसे पाकिस्तान में मिल रहे हैं और इससे ज्यादा कहीं ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से और मैंने यही दो चीजें आपको कही थी कि बेसिकली कैरियर ग्रोथ और पैसा, ये दो चीजें जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। आइजक ने भी उसी चीज को एंडोर्स किया कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो नहीं आते लैमलाइट में, नहीं आते या उस हिसाब से नहीं कर पाते। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होती है। अब आपने शुरू में बैठ के बड़ा बोला कि साइंटिफिकली जो है चीजें आगे चल रही हैं और इस साइंटिफिक दौर के अंदर भी बंदा अगर ना समझे तो कैसा है। तो डेफिनेटली यही वो चीजें हैं, वो साइंटिफिकली चीजें जो आप अपने नौजवान नस्ल को कैरियर काउंसलिंग में बता रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारा काम है कि जो मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करना। तो ये टाइम सेविंग ये भी बात आइजक की मैं थोड़ी इंक्लूड करूँ, ये भी बात आपने अच्छी कही कि जो ज्यादा जो स्ट्रगल की वजह से बंदा आता है या उसके जो अच्छा काम करता है जो इंटरव्यू ज्यादा देता है तो उसके फीसिस और ये भी बढ़नी चाहिए, डिमांड ज्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई प्रॉपर फोरम या प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कोई किसी भी चीज में, इवन आर्ट के अलावा भी, कि आपका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके थ्रू आप जो ना उस साइकिल में आके, तो इवन आप सीएसएस करने के चले आए तो भी वो जो थोड़े से अवेयर होते हैं वो अटेम्प्ट कर लेते हैं चीजें। और हमारा वो जो अब करियर काउंसलर काउंसलिंग की भी बात चल रही थी वो उसका बेस्ट टाइम व्हाट आई थिंक इज फर्स्ट ईयर इंटर इज द बेस्ट टाइम टू काउंसल। उसके बाद हमें जो अपनी फील्ड सिलेक्शंस की बात आती है आगे और देन फिर आगे करंट जो आने वाले दौर है उसमें कौन से करियर्स आपके जो होंगे वो होंगे आपके लिए, क्योंकि ग्रेजुअल जिस तरह आईटी टेक ओवर कर रही है तो बहुत से करियर्स आने वाले दिनों में खत्म होने जा रहे हैं। सही सही। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेयरनेस की बहुत शदीद कमी है कि हम दुनिया से थोड़े से सही सही बिहाइंड। चलो इसी बात को आगे करेंगे, मैं अगर मुझे आप 1 मिनट दें तो 1 मिनट में आपको जरूर दूंगी लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक लेना भी जरूरी है। नाजरी ही वक्त है और शॉर्ट कमर्शियल से ब्रेक जो है प्रोग्राम सत्तावन का ब्रुकबोन सुपर इंडस्ट कार्य नमन जो असर सगट रहे जो
वेलकम बैक नाज़रीन, नाज़रीन प्रोग्राम सताबुन के ब्रकबोन सुप्रिंटर्स पंजाब जज़ाक के सागर कड़क चाय जी प्याली। एक दफ़ो बीहर भलेकार खूबसूरत मेहमान मुझे खूबसूरत व्यूवर्स के तुम्हारों साथ भी होंद फोन कॉल के जरिए नंबर अनाउंस कदम जो स्क्रीन से इंदो 0222102855 डायल कर अस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल थींदा। जी असांजे प्रोग्राम में साई बहन असा मौजूद आहिनि, हीअं हलंदासीं वकार ॾे। त अच्छा, आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको एक मिनट जरूर दूंगी। जी जी, वो मैं भूल गया, भूल गया। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, वो एक मिनट मैंने आपसे इसलिए मांगा था, जो बात हमारी हो रही थी कि जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक डिपार्टमेंट ने जिसने सर्वे किया था पूरे वर्ल्ड का, तो उसका उन्होंने ये कहा था 2023 तक जो मोस्ट इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर सारी जो है ना वो टेक्निकल फील्ड्स हैं, और डेफिनेटली हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम वो टेक्निकल बंदे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो बेसिकली मेरा जिस प्रोफेशन से ताल्लुक है, सेल्स एंड मार्केटिंग से, वो फिफ्थ नंबर पर है, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ड्यू टू सम रीजन अगर बंदा कोई भी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर सका, टेक्निकल एजुकेशन हासिल नहीं कर सका, तो उसके पास एक फील्ड बचती है सेल्स एंड मार्केटिंग की, जिसके अंदर वो अपने आप को ग्रो करा सकता है और पैसा बना सकता है, ठीक है। तो ये 2023 तक का है मोस्ट इमर्जिंग फील्ड, जिसके अंदर आपको कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एजुकेटेड हो कोई नॉर्मल एजुकेशन के साथ, बट डेफिनेटली यस, हार्ड वर्कर हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, तो आप ग्रो कर सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, मोटिवेशनल भी हो सामने के, वो हम बना देते हैं फिर हम भी डेफिनेटली हैं, ब्रांड को सेल करने के लिए। सही, ये भी बात इंक्लूड करना चाहूंगी, ये सबसे जरूरी है। पुराने वकार रहे हम जी, वकार क्या बनाए हाँ, गीत है वो हम आपको सुनाते हैं। अच्छा, एक गीत है और जिस तरह भी मोटिवेशनल हवाले से बात हो रही है, तो हाँ, तो बिल्कुल उसी मूड का एक ट्रैक है जो आजकल की यूथ के लिए है। इसमें मैसेज भी है और इसकी पोइट्री कुछ इस किस्म की है कि वो मोटिवेट करती है। जी जी, आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी इसमें साथ गाना होगा। जरूर जरूर, कम कोशिश, हम आपके पीछे पीछे गाएंगे। ओके, बढ़ते रहे हर बार, बढ़ते रहे हर बार।
जबरदस्त जबरदस्त, एक सुठी इंस्पिरेशन, मोटिवेट हुए होंगे आप बहुत 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 ज्यादा, यकीन है ना आपकी आवाज में और इतने अच्छे इसमें जबरदस्त। तां सिंधी भली गलाईंदा हो एडी सुठी, ने छो मुसा उर्दू गलायो थदी मिली है ना। अच्छा हां ना गलाईंदा दिसो सा चाय गरम नहीं एसी हले थी सुप्री हां ना सही सही भले माइक खणो एकड़ो थोड़ा सिंधी में गुनगुनाए बुदाए भला सके केड़ो कोई भी कोई माइक माइक एफ शार्प F sharp minor key. Sham jo hi pahar naav saaje kahyo, sham jo hi pahar naav saaje kahyo, kuch tai da kahyo ke tagaliyun kahyo, sham jo ही पहर नाव सांझे कहो हो सके तो मेरा एक काम करो, सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, ही पहर नाम साजे कयो। जबरदस्त 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 मरीना, मैं सोचूंगी आपने जो मुझे कहा, मां सोचता मैं नहीं थे, पर ही टाइम जो सुबह जो भी आ शाम जो सोचिंदा से मानी गाल ते सोचता हम पता के मैसेज कर लूं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा, आपकी जो आप स्ट्रगल्स आपने इस करियर के हवाले से भी आपने अचीव किया, फिर आपने अपना करियर चेंज किया, तो इसी चीज़ में आपने इसमें क्यों इतना कितना आपने समझा कि मुझे आई हैव टू बी एजुकेटेड देन आई हैव टू बी ग्रो अप, एंड क्यों समझ रहे थे आप कि मुझे एजुकेशन इसमें हासिल करनी चाहिए तो मैं आगे बढ़ूँगा, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिकली मैंने बताया हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया दैट टाइम कुछ घरेलू चीज़ें थी ऐसी कि मैंने अपनी जॉब जो है वो फ़ौरन ही स्टार्ट कर दी थी, मैं मतलब हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सका। उसके बाद फिर डेफिनेटली मुझे एक मेंटोर मिला जिसने मुझे बताया, क्योंकि मेरा ताल्लुक सेल्स एंड मार्केटिंग से है, तो उसने मुझे मेरे कैरियर काउंसलिंग की कि जो काम तुम अभी कर रहे हो इसके अंदर तुम्हारी करंट सर्कमस्टांसिस में तुम्हारे लिए कंटिन्यू करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, सो इस करंट सर्कमस्टांसिस में तुम्हें ये चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ तुम्हारी डे बाई डे वर्थ इंक्रीज हो। डेफिनेटली मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए उस वक्त नहीं था कुछ भी कि मैं मजीद एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, तो वहाँ से मेरी कैरियर चेंज हुआ और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में आया। तो हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली वो यही कर रहे हैं कि देखें बहुत सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ में ना हर्डल्स आती हैं। हम ये जहन में सोचते हैं जी मैंने CSS नहीं किया तो मेरे पास पावर नहीं होगा, मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स या BE नहीं किया तो मैं मतलब अच्छी जॉब नहीं पा सकता या अच्छा कैरियर नहीं पा सकता, अगर मैं MBBS नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल MBBS अगर इस वक्त कोई कहता है 3.5 मिलियन से 4 मिलियन तक अप्रॉक्सीमेट सिंपली खर्चा आता है, लेकिन हर बंदे की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना खर्च करे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेल्स और मार्केटिंग को ही डेफिनेटली इनकरेज करूंगा कि वो बंदा इस फील्ड के अंदर अगर आता है तो वो कैपेबल हो जाता है उस पोजीशन पे जाने के लिए जहाँ पे उसका अर्निंग लेवल या कैरियर ग्रोथ उस लेवल तक पहुंच सकती है। सही सही, तो ये बेसिकली इसलिए मैं सेल्स। अच्छा, व्हाट अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, इज इट एजुकेशन द गवर्नमेंट में आ है तो एजुकेशन जो घणो सपोर्ट। डेफिनेटली स्मार्ट वर्किंग इज बेटर देन हार्ड वर्किंग। हाउ हाउ? अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ उसकी। एग्जांपल इस तरह, आपने सबसे देखा होगा जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है ना वो हमारा एक मजदूर होता है जो गड़ा खोद रहा होता है दोपहर के अंदर, वो रोटी पे प्याज रख के खा रहा होता है, उससे ज्यादा हार्ड वर्क कोई भी नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली जब डे एंड होता है तो उसको क्या मिलता है? उसी तरह एजुकेशन का एक एजुकेटेड आदमी है जो कि स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया या वो सेल्स में कोई पोजीशन ले लिया, कुछ भी कर लिया, वो सिंपली AC के अंदर 8 घंटे बैठता है, अपनी गाड़ी से ऑफिस आता है, गाड़ी से जाता है, उतना हार्ड वर्क भी नहीं होता, बट उसका पे आउट उससे डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली एजुकेशन मैटर्स। तो एजुकेशन डेफिनेटली आपको, मैंने कहा आपको एजुकेशन जो है आपको लाइन ऑफ एक्शन देती है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ लेके जाना है, आपको विजन देती है आगे आपने जाके किस तरह से करना है काम, क्या चाहिए आपको। तो डेफिनेटली हर बंदे को लाइफ में एक मेंटोर की जरूरत होती है जो कि उसको गाइड कर सके। विजन हर बंदे का क्लियर है कि आई वांट टू बी अ रिच मैन, आई वांट टू बी अ बिग मैन, लेकिन उसका प्लान कैसे होगा वो उसको मेंटोर बताएगा। सही। कि उसका प्लान क्या है ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। नहीं, मेंटोर होना भी जरूरी है, मेंटोर होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट भी मैं बता दी, जब मैंने कहा सुठो जो को आसर जो गाइडियस होता उन जो जरूरी है, जो सुठो सलाहकार हो जे
जो ये न त तव्हांखे अहिड़ियूं उंधियूं सूंधियूं सलाहूं ॾे वरी तव्हां जेको बिस्मिल्लाह करे चवंदो बसि हिन चयो आहे मूंखे हिन ॻाल्हि ते अमल करिणो आहे, पर ईअं न, पर असां थोरो पंहिंजो शहूर बि इस्तेमालु करे ऐं हिन वक़्तु थियो आहे असांजे प्रोग्राम में हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो. हिन प्रोग्राम सां ताबुन कयो आहे ब्रुकबोर्न सुपरेन डस्ट. काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन, नाज़रीन प्रोग्राम सदा बंद कया ब्रुक पॉइंट सुपरिंटेंडेंट पंजाब जे ज़ाइके सां गॾु कड़क चांहि जी प्याली. हिकु कॉल मौजूदु आहे, कॉल वठंदासीं. हलो, वालेकुम अस्सलाम. सम्झी केरु किथां खां पंहिंजो तारीफ़ कराईंदा भाउ? सैयद अमजद अली शाह मटेरी खां थो ॻाल्हायां मैडम. अव्हां खे भली कार सुबुह में प्रोग्राम में जी छा चवणु चाहींदा? अलाह जा करम, सभु ख़ैर, महिरबानी. तव्हां मैडम ठीकु आहे? मैडम माशाला प्रोग्राम त तव्हांजो तमामु बहितरीन हलियो आहे. थैंक यू सो मच. कहिड़ी ॻाल्हि वणी तव्हांखे प्रोग्राम जे हवाले सां? कुझु शयूं हुयूं जेके तकाफ़ुल जे बारे में असां जिन डिस्कस कयूं पिए, जेके सुवाल हुया माशाल्लाह क्लियर थी विया. हाणे त तकाफ़ुल माशाल्लाह क्लियर थी वियो आहे, ॾाढी सुठी शइ. बाक़ी ऐं म्यूज़िक बकार जे असांजो ख़ूबसूरत आवाज़ सां ऐं ॿी जेके एजुकेशन जी बि ॻाल्हि हली, ज़रूरी आहे तालीम. जी बिल्कुलु, माशाल्लाह सुठो इनिशिएटिव तव्हां वरितो आहे. अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि त जीअं नौजवाननि खे हिन जे सिलसिले में आगाही मिलंदी रहे. थैंक यू सो मच असांजे प्रोग्राम में तव्हां शामिलु थियो. अच्छा, ईअं ई जेके कॉलर्स जेके आहिनि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी, ईअं ई जेकी बि ॻाल्हि हुनखे सुठी लॻे थी उहो जीअं शेयर कंदा या पंहिंजा व्यूज़ शेयर कंदा त न जेके असांजे व्यूवर्स आहिनि या असांखे बि जेको उन्हनि खां नॉलेज मिली सघंदी. अच्छा आसिफ अली साहिबु, यू हैव अ सम स्वीट्स मेमोरी? डेफिनेटली, एज़ फार एज़ माय करियर इज़ कंसर्न्ड, माय प्रोफेशन इज़ कंसर्न्ड, आई हैव सब करियर से डेफिनेटली करियर और अपना प्रोफेशन. मेरा जो एक चीज है कि जो भी आपका प्रोफेशन है ना, आप उसको अपना पैशन बनाएं, तो आप इंजॉयमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं. अच्छा, मेरा एक पर्सनली मेरा था थोड़ा, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है कि मैं ट्रैवलिंग करूं और कुछ चीजें देखूं. तो मेरा इस प्रोफेशन से पहले मैंने कभी जिंदगी में जहाज में नहीं बैठा था, लेकिन एक पैशन था कि यार मुझे शौक था कि मैं करूँ, जहाज में बैठूं जाऊं. जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, डेफिनेटली जैसे भी हम थोड़ी देर पहले आइज़क कह रहे थे कि आपको शुरू में हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्लोली ग्रेजुअली आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं. तो उस तरह से मैंने काम स्टार्ट किया और आज तक जितने भी मुल्क मैंने घूमे, अगर मैं उंगलियों पे गिनूं तो दुबई से स्टार्ट होते हैं, थाईलैंड, मलाइशिया, टर्की, इजिप्ट, बाकू, सिंगापुर, ये सब मैंने अपने इसी प्रोफेशन के थ्रू घूमे हैं, जिसमें मेरा एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ, सब कुछ फाइनेंस्ड होता था हमारा. और वो मेरे पास स्वीट मेमोरीज हैं कि जब मैं अपने आप को मोटिवेट करना चाहता हूँ इस प्रोफेशन के अंदर, तो मैं उन चीज़ों को करता हूँ कि यार ये चीज़ें भी मुझे इसी प्रोफेशन ने दिखाई हैं. जहाँ से डेफिनेटली मैंने कुछ अरसा मिडिल ईस्ट में भी गुजारा है, तो वहाँ का मैं जो एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, जो चीज़ें लेकर आया हूँ, वो सब इसी प्रोफेशन की वजह से. तो ये मेरी कुछ स्वीट मेमोरीज हैं, जिस पर अगर समटाइम डेफिनेटली बंदा डिमोटिवेट होता है, तो अपने आप को री मोटिवेट करने के लिए मैं इन मेमोरीज को डेफिनेटली रिकॉल करता हूँ और फिर हम उस पे जाते हैं. मैं कॉल ले लूं कंटिन्यू करने से. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, आज सुबह मेरा आने का के ताज मेहमानों के. वालेकुम सलाम अब्दुल हक कटवर साहब, सऊदी खता के ता सके कॉल किया. थैंक यू सो मच. की आयो के पे गुजरे सु? अल्लाह जय साला ता जी दुआ है ता के जों पे क्यों ता जे से चैनल तरक्की है जों पे क्यों. महिरबानी महिरबानी, लॻो पियो आहे? बिल्कुलु ठीकु ठाक. छा चवणु चाहींदव प्रोग्राम जे हवाले सां? अॼु थोरो सिग्नल वीक पिया थियनि, इहो मां सही नमूने सां टॉपिक कोन ॿुधो आहे, थोरो रिपीट कंदा त मां उनखे ते थोरो तव्हां खां. अच्छा, एजुकेशन जे हवाले सां बि ॻाल्हि हले पई, तालीम जे हवाले सां, जेके हिन दफ़े शागिर्द जेके हुया यूनिवर्सिटी में एडमिशन वधि में वधि जेके आहिनि पीअर थिया स्टूडेंट्स, जंहिंमें नियाणियुनि जो जेको रेशो वधीक 24,000 जेके कैंडिडेट हुआ, जंहिंमें 6,000 नियाणियूं हुयूं. तालीम त इंसान जे लाइ ज़रूरी आहे, तालीम खां सवाइ इंसान जेको आहे बराए नाम इंसान आहे. बाक़ी तालीम त ज़रूरी आहे इंसान खे. बाक़ी इहा आहे त अॼुकल्ह जेके आहिनि छोकिरियूं बि तमामु सुठो एक्टिव थियूं थियनि ऐं तालीम ते तवजो थियूं, पर छोकिरनि खे बि ॾियणु खपे बजाए की फेसबुक ॾिसण जी या पंहिंजो जेको आहे वक़्तु ज़ाया करण जी. पर छोकिरियुनि खे इहो बि मां चवंदुसि त जेको आहे सो पंहिंजे वालदेन जी मर्ज़ीअ सां जेको आहे माना मैरिज कनि, अरेंज मैरिज कनि, ईअं भॼी करे मैरिज. इहो माशरे में हिकिड़ी नफ़रत आहे, उहो हिन हवाले सां मां एतिरो कमु. सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढी महिरबानी. थैंक यू सो मच तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो.
वरी उते भी मूंखे रुख थे तो जॾहिं मां थर में ॾिसां थी त जेकी न्याणियूं जेके पढ़नि कोन पाण खे फाव थी ॾियनि पंहिंजी जेकी जिले उथो त जेका उन्हनि खे बि असां अवेयर कयूं उन्हनि खे बि असां ॿुधायूं त ज़िंदगी हिकिड़ी क़ीमती शइ आहे अलाह साईं असांखे हीअ अमानत तौर ते ॾिनी आहे असांखे हिसाबु ॾियणो हूंदो आहे त हीअ वरी जेके ख़ासि तौर ते जेके नौजवान एजुकेशन हासिल था कनि उहे उन्हनि खे मोटिवेट करनि क्योंकि जेको पंहिंजी ॿोली में जेको सम्झाइणु या पंहिंजे जेके रिलेटिव्स हूंदा आहिनि जेके ख़ानदान हूंदा आहिनि जंहिंजे उथणी वेहणी हूंदा आहिनि उनखे उहा ॻाल्हि वधीक सम्झ में ईंदी आहे बज़ाहिरे ॿिए कुझु त ॾिसो न सिर्फ़ु तव्हां एजुकेशन हासिलु न कयो तव्हां जेके असांजा जे थर जा नौजवान आहिनि सुठी सुठी पोस्टनि ते अवेल आहिनि या मौजूदु आहिनि त उन्हनि खे घुरिजे त पंहिंजे जेके जिथे तव्हां इलाइक़े जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे अवेयर कनि उन्हनि खे जेको आहे नॉलेज न एतिरी ख़ुदिकुशी जीअं छो थियूं थियनि उन्हनि ते वसिराइनि ॿ ॿ नियाणियूं जेको आहे गॾिजियूं जेके आहिनि फाव थी ॾियनि हीउ हिकिड़ो असांजो वॾे लॉस आहे ऐं असांजो त असां तालीम पिराई असां हेॾी सुठी पोस्टुनि ते पहुता हूं त आऊं चाहींदमि त इहो उन्हनि जे कंहिं कम जी कोन्हे उहो उन्हनि जो को फ़ाइदो कोन्हे जी असां जल्दी में दो तीन में सवाल पुछूंगी आप उसको जल्दी वॉट अबाउट बुक्स बुक्स ज़रूरी है पढ़ना करना डेफिनेटली बुक्स पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगी आप कितनी किताबें पढ़ी हैं मैं अभी डेफिनेटली अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इतना ज़्यादा नहीं कर पाता लेकिन मेरे शुरू में एक टाइम गुजरा है कि जब तक मैं बुक नहीं पढ़ लेता था मुझे नींद नहीं आती थी बुक से ये होता है कि जब आप उसको थॉरली सामने देख रहे होते हैं ना वो आपके जहन पर नक्श हो जाती है ठीक है आजकल एक मीडिया का दौर है कि हम अपना कोई भी चीज़ खोली और उसके ऊपर देख रहे हो तो उससे बेसिकली वो इम्पैक्ट आपके जहन पे नहीं आता अंटिल अनलेस आप बुक स्टडी ना करें ठीक है बुक सिर्फ नॉलेज के लिए भी होती है कि आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो बुक मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छा दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छा दोस्त है आपका डेफिनेटली जो आजकल हमसे थोड़ा दूर हो चुका है स्मार्ट फोन्स की वजह से स्मार्टफोन की वजह से हमारी फैमिली दूर हो गई स्मार्टफोन की वजह से हां फैमिली बड़ी फैमिली दूर हो गई चले वो जब दुआ करते हैं कि ये सारी फैमिलीज और ये बुक्स हमें वापस मिल जाए पर आने मरीना मुझे ऐसे इतने प्यार से देख रही है मरीना ने खूबसूरत तरीके से मरीना ससा गद बैठी है जी मरीना क्या सुनाओगे छा थी बुधाए मरीना साके अभी एक पुराना सॉन्ग है 1970 की एक मूवी है अंजुमन उसमें मैडम रूना लैला ने एक सॉन्ग गाया है वो हम सुनाएंगे आपको ओल्ड पाकिस्तान यस अभी तक मेरी रूह बेचैन है अभी तक मेरा दिल भी बेताब सा ये माना कि तुम सामने हो मगर मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा होए 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 ओपन लबों से मुझे तुमने किया है खबर शुक्रिया हाँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया हाँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया होए 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 दिल धड़के वाह जबरदस्त जबरदस्त खूबसूरत मरीना खूबसूरत एक नॉटी सवाल जो मैं मरीना को पसंद चाहिंदमि तो मरीना मुझे जल्दी से जवाब दे मरीना पा स्कूल की प्रिंसिपल भी यार उन्हें छुट्टी कई जॾहिं ॿार जॾहिं छुटी मोकल माना कंदो आहे ॿार जॾहिं मोकल कंदो आहे त छा हीअ प्रिंसिपल जेका मोकल करे आई आहे छा चवणु चाहींदो मरीना तो फाइन दोगे न बच्चों से तो लिया जाता है फाइन ये फाइन जिनके लिए ये कुर्बानी दी गई है वहां से मिलेगा
फिर उधर चले वाह, स्कूल में हमारे भरा डायरेक्टर साहब को जाएगा। आवाज चली गई थी, जो को फाइन दे को दाम भरी दो को दंड ये, क्योंकि प्रिंसिपल ही हमेशा जाके फाइन भरी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं वो सारी मसरूफियात अपनी जगह पे हैं जो जिम्मेदारी है, लेकिन जब भी मेहरान टीवी पे जब हम यहाँ आते हैं तो इट फील्स सो गुड, और इसीलिए कुछ थोड़ा सा फिर स्किप करके बीच में से टाइम तो फिर यहाँ के लिए भी टाइम निकालते हैं। बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि तहां जड़े इंदा हो तो साहित्य भी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो असा गाली को दो जी बिल्कुल तो माशाल्लाह तहां जी फील्ड भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इन जे करे भी असा तहां के घुराइंदा हो तो असा जे के बार एंड स्टूडेंट्स न ताई मैडम जे के इते सा के अवेयरनेस देना है एजुकेशन के हवाले से। बोल बोल बिल्कुल बोल रहे। थैंक यू वेरी अच्छा खास। थैंक यू सो मच मरीना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, इतनी खूबसूरत बातें आपने की और इतने खूबसूरत तरीके से आपने इसको बताया। और अच्छा ये एक और पॉइंट मैं सिर्फ सोचूंगी, मैं आपको कहूँगी बींग हम देखें ना, हम एजुकेटेड बैठे हुए हैं, आप माशाल्लाह से इतनी डिग्री के, हम बींग गर्ल्स हम लेडीज हैं, तो आप क्या मैसेज उन्हें कहेंगी जो हमारी जो लड़कियाँ हैं जो यूथ हैं उन्हें और क्या करना चाहिए एजुकेशन के हवाले से, कोई ऐसा मैसेज जो उनके दिलों को छू जाए? वैसे तो अभी बहुत बहुत चेंज आ गया है, पहले जो एक कॉन्सेप्ट था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना उनको घर में रखना है, इसमें काफ़ी चेंज आया है, ये अच्छी चीज़ है। फिर भी अगर कहीं पर जो इन चीज़ों को सोचते हैं लोग कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, उनको ज़रूर पढ़ाना चाहिए। एक लड़की ने जब बड़े हो के फिर उसने एक फैमिली फॉर्म करनी है, जब वो बच्चों अपने बच्चों को सिखाती है तो जब तक उसको नहीं पता होगा वो कैसे सिखाएगी बच्चों को, उनकी तरबियत कैसे करेगी। तो एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बॉयज एज वेल ऑल्सो। तो लड़कियों के लिए एजुकेशन में जो रुकावट के लिए हम सोचते हैं वो नहीं सोचना चाहिए हमें, ज़रूर हमें ज़रूर ये उनको अवेल करने के लिए हमें उनको घर से निकालना है, हमें उनको दुनिया की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ाई की भी और हर चीज़ की। जबरदस्त ये बात आपने अच्छी कही, जी कन्याणी पढ़ती तो वो सारे घर के अपनाई सारे घर का खानदान के जो खड़ी कर हल्दी, मर्द जैसे पढ़ा तो सिर्फ जितना मर्द पढ़े तो सिर्फ फर्द पढ़े, वो पेंजी जो इकोनॉमिकल तरीके से सपोर्ट कौन, लेकिन एक माँ ही होंगी जी बार अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो उनके उन सुठे तरीके से तरबियत कर सकती, ये चीज़ असा सोचण समझ घुर्ज न्याली टर्निंग इलाही जो बेहतरीन जरूरी है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्र ने कहा कि मर्द पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, लेकिन बीइंग अ मदर औरत वो होती है जो परवरिश करती है, वो एक माशरा बनाती है, क्योंकि वो अगर एजुकेटेड होगी वो चीज़ें होगी तो वो अपने बच्चों की तरबियत तालीम और तरबियत उस तरह से करेगी जो एक माशरा डेवलप कर रहा होता है, तो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी तहां केर पंजो तारफ कराइंदा बा। हां मेरा नाम फरकान है, मैं लतीहोवत से कॉल कर रहा हूं। जी 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 क्या कहना चाहेंगे? वकार भाई को सलाम करना चाहूंगा पहले तो। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, सैयद हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वकार भाई हमारा वकार भाई को आपको प्रोग्राम पे देखा तो बहुत दिनों बाद आप नजर आए। थैंक यू थैंक यू। बहरहाल आपका प्रोग्राम जो है हमने एफएम पे तो आपको सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। बाकी आपसे बहुत पहले एक मुलाकात रही है रोटरेक के हवाले से। बस मैसेज ये है कि बेसिकली आज जो प्रोग्राम का हमारा थीम था कि लोग कॉन्सेंट्रेट करें एजुकेशन पे और अपने अवेयरनेस दें हायर एजुकेशन और उसकी एजुकेशन के लिए, और उसके साथ साथ प्रॉपर प्लान करें, प्रॉपर प्लान करें और कोशिश करें कि जो भी बंदा थोड़ी सी इस्तेदात रखता है वो किसी एक ऐसे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दे कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। आज हम एक बंदे को कराएंगे ये चेन बनेगी। थैंक यू टाइम बिल्कुल खत्म थी चुका। थैंक यू सो मच मेहमान जो कीमती वक्त के जैसे प्रोग्राम में आयो। जिते नाजरीन इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाकात थींदी ऐं इन प्रोग्राम सां ताउन के ब्रकबोन सुपरिंटेंडेंट पंजाब जे जायके सां गॾु कड़क चांहि जी प्याली जंहिंजो ज़ाइको ऐं रंग गॾिजी वरी तव्हांजी चांहि खे बेहतरीन टेस्ट ॾिए थो। इनशाला सुभाणे वरी मुलाकात थींदी, तेसि ताईं पंहिंजी होस्ट तहरीम मवार खे ॾींदा इजाज़त। अलाह हाफ़िज़।